उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार जनता के मद्देनजर रखते हुए अपने काम को अंजाम दे रही है और इसी सिलसिले में बदायूं कोषागार में गबन के मामले में मुखिया योगी सख्त दिखाई दिए तो बस्ती को सौगात दी। बदायूं में भ्रष्टाचार पर प्रहार किया गया। मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक एक ट्वीट कर ये जानकारी दी। सीएम योगी का एक्शन, बस्ती को बड़ी सौगात, भ्रष्टाचार पर प्रहार, किसानों का दर्द योगी की दवा, गंगा पर पुल का गिफ्ट। बदायूं कोषागार में गबन के मामले पर सीएम योगी ने कड़ा एक्शन लिया। सख्त संदेश देते हुए कहा, बदायूं कोषागार में कार्यरत तीन वरिष्ठ कोषाधिकारियों को 5 करोड़ के गबन के आरोप में निलंबित कर जांच के आदेश दिए गए हैं। उस वक्त प्रकरण में तहसीलदार स्तर के 10 अधिकारियों को निलंबित कर उनके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए गए। वहीं बस्ती कलेक्ट्रेट के लिए भी बड़ी सौगात दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद बस्ती कलेक्ट्रेट के अनावासीय भवनों के निर्माण कार्य हेतु परियोजना की संपूर्ण पुनरीक्षित लागत 16 करोड़ पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन प्रदान करते हुए 6.56 करोड़ रुपए अवमुक्त करने का आदेश दिया गया। योगी सरकार भ्रष्टाचार पर कितनी सख्त है, इसका उदाहरण देखने को मिला बदायूं में। सीएम योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार की भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति निरंतर जारी है। बदायूं कोषागार में स्टाम्प मैनुअल के अनुपालन न करने एवं कार्य में शिथिलता के आरोप में 13 अधिकारियों को निलंबित कर विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं। बाराबंकी में बीमा कंपनियों की मनमानी का भी सीएम योगी ने संज्ञान लिया। मुख्यमंत्री सर्वहित किसान बीमा योजना का क्लेम देने में बीमा कंपनी की शिकायत को सीएम योगी आदित्यनाथ ने गंभीरता से लेते हुए बीमा कंपनी के विरुद्ध जांच के आदेश दिए। बाराबंकी में बड़ी संख्या में किसानों को बीमा क्लेम देने में आनाकानी की शिकायतें मिली थी। साथ ही कासगंज को बदायूं के बीच गंगा पर पुल की सौगात भी मिली। मुख्यमंत्री दफ्तर से ट्वीट किया गया, सीएम श्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद कासगंज के अलीपुर बड़वारा एवं सहसवान के मध्य गंगा नदी पर सेतु के पहुंच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य निर्माण हेतु 174.97 करोड़ रुपए जारी करने के आदेश दिए हैं। निर्माण से क्षेत्रीय जनता को आवागमन में सुविधा मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।